असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी चीज को करने की ठान लो, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि बहुत से लोगों ने वो सब संभव कर दिखाया है जो आम लोगों के लिए असंभव था, क्योंकि उन लोगों ने वो काम करने की ठान ली थी। लेकिन एक बात सच है कि यदि आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाहते हो, तो लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे। इफ यू वॉन्ट टू डू एनी इम्पॉसिबल वर्क, देन इट इज 100% ट्रू दैट पीपल डीमोटिवेट यू। एडिसन, इन्हें तो आप जानते ही हो, जिन्होंने लाइट बल्ब फोनोग्राफ इन्वेंट किया था। अब आप सोचो, जब उन्होंने बोला होगा कि मैं एक ऐसा चीज का इन्वेंट करूंगा जो रात में भी दिन जैसा उजाला देगा, देन व्हाट पीपल थॉट अबाउट हिम, उस टाइम में लोग उनके बारे में क्या सोचते होंगे, कि ये इंसान पागल है, कैसी बात करता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रात को भी दिन जैसा उजाला होगा। लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास था कि वो ये काम कर सकते हैं। उन्होंने सारी निगेटिव बातों को इग्नोर किया और अपने गोल की तरफ ध्यान दिया, और फाइनली उन्होंने वो कर दिखाया जो आम लोगों के लिए असंभव था। वैसे ही राइट ब्रदर्स ने एक ऐसा चीज का आविष्कार किया था जिसने दुनिया ही बदल डाली। यह आविष्कार था हवाई जहाज का, जिसने हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी को इतना छोटा कर दिया कि आज पूरी दुनिया में बहुत कम समय में कहीं भी जाया जा सकता है। 14 साल की कठिन मेहनत के बाद दोनों भाइयों को सफलता मिली थी। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, असंभव कुछ भी नहीं है। दूसरा, लगन के साथ कठिन मेहनत करना। तीसरा, पूरा विश्वास कि सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा, प्रतीक्षा करने की क्षमता। पांचवा, ईश्वर पर भरोसा कि वो हमारे साथ है और वो हमें कभी हारने नहीं देंगे। इन बातों की सच्चाइयों को समझने के लिए हमें किसान के कर्मों से सीख ले सकते हैं। एक किसान जब बीज बोता है तो उसे पूरा विश्वास होता है कि यह बीज एक दिन अनाज के रूप में अवश्य परिवर्तित होगा। जिस समय वह बीज बोता है, उस समय वह बीज बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, लेकिन उसे विश्वास होता है कि यही बीज एक दिन पौधा बनेगा, जिसमें फूल लगेंगे और अंत में फसल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह अपना कर्म करना शुरू कर देता है। वह अपने फसल को अच्छा बनाने के लिए अपना बेस्ट देना शुरू कर देता है। वह बीजों को सींचता है, उसमें खाद्य पानी देता है और उसे किसी भी बीमारी से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय करता है। इस बीच वह बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और वेट करता है, क्योंकि वह जानता है कि फल के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा। वह केवल अपने कर्मों पर ध्यान देता है। वह भगवान से या किसी और से कोई शिकायत नहीं करता कि अभी तक इसमें अनाज नहीं है। अब इसकी देखभाल करना बेकार है, इसमें खाद्य पानी देना बेकार है। कहने का मतलब कि वह निराश नहीं है, वह धैर्य के साथ अपना कर्म करता है और अंत में वो समय भी आ जाता है जब उसके पौधे अनाजों से लग जाते हैं, उसे उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। तब वह ईश्वर को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे कर्म करने और इंतजार करने की क्षमता दी, आपने मुझे विश्वास दिया कि जब ये बीज बोया है तो फसल होगा ही। ऐसे ही यदि आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, खिलाड़ी बनने की सोच रहे हो या जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, तो ऊपर बताए पांचों बातों को ध्यान में रखिए। आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मन में जुनून की आग लेकर पूरी विल पावर से चलना शुरू तो करो। वादा करती हूँ, कामयाबी, पैसा और सोना तीनों छक्के मार के पीछे आएगी।